जिसके पीछे 100 सिर, 100 सामंत, वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार होना है, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। कैसी लग रही है लोगों को सम्राट पृथ्वीराज, क्या कहता है ट्विटर रिव्यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलिग्राज स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, एक्टर अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद और संजय दत्त की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फाइनली रिलीज हो चुकी है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाली ऑडियंस ने ट्विटर पर सम्राट पृथ्वीराज का रिव्यू भी शुरू कर दिया है। फैंस अक्षय कुमार की फिल्म को देखकर उनकी एक्टिंग, फिल्म की कहानी, सेट से लेकर डायरेक्शन के बारे में सोशल मीडिया पर जमकर बातें कर रहे हैं। ट्विटर पर सम्राट पृथ्वीराज ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें, सम्राट पृथ्वीराज को चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है। यशराज फिल्म्स के प्रोडक्शन तले इसे बनाया गया है और पूरे 300 करोड़ का खर्चा किया गया है। ये फिल्म अक्षय के लिए काफ़ी मायनों में खास है। पिछली फिल्म बच्चन पांडे उनकी फ्लॉप हुई थी और अब निगाहें हैं सम्राट पृथ्वीराज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। वहीं दोस्तों, लोगों ने ये फिल्म देखी और ट्विटर पर ट्वीट भी किया। एक यूज़र ने लिखा, इस फिल्म को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इस यूज़र ने विजुअल्स, BGM, परफॉर्मेंस की जमकर तारीफें की। वहीं दोस्तों, एक यूज़र ने लिखा कि सम्राट पृथ्वीराज का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस फिल्म ने आग लगा दी है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग सभी ने की है। वहीं दोस्तों, एक यूज़र ने लिखा कि पृथ्वीराज ब्रिलियंट फिल्म है और फुल पैसा वसूल है, इस मास्टरपीस को प्लीज़ मिस ना करें। वहीं एक यूज़र ने लिखा कि उन्होंने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और इंगेजिंग है। और फिर उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार और संजय दत्त का रोल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। वहीं एक यूज़र ने लिखा कि हर एक भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, हर हर महादेव। क्लाइमेक्स के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे सब कुछ पता था लास्ट में क्या होगा, लेकिन फिर भी आंखें नम हो गई। वहीं दोस्तों, एक यूज़र ने लिखा कि राजस्थान में फिल्म देख रहा हूं और जयपुर में पूरे 3 लेट मॉर्निंग शो बुक हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपने देख ली फिल्म, तो बताइए कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल मौलिग्राज स्टूडियोज़ को।